ना होगा। आज की यह वीडियो सीटेट ईवीएस की एक मैराथन वीडियो यानी कंप्लीट ईवीएस की एनसीईआरटी वीडियो है। आपने बहुत सी ईवीएस की मैराथन ली होंगी, लेकिन मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि इसमें 100% एनसीईआरटी के एचडी क्वालिटी के फैक्ट कवर किए हैं, जो बहुत तमाम ऐसे टीचर हैं, सभी अध्यापक अध्यापिकाएं बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो फैक्ट एनसीईआरटी के छोड़ दिए जाते हैं जो केवल आपको पैट कोर्सेज में मिलते हैं, यानी हमने ऐसा कोई फैक्ट नहीं छोड़ा है। 3 घंटे की ये वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, इससे बाहर कोई भी चीज अगर आ जाए तो हमारा पढ़ाना बेकार और आपका पढ़ना बेकार। हमने बहुत मेहनत करी है इस वीडियो के लिए, सारे फैक्ट हमने चित्रात्मक तरीके से लगाए हैं। अब आपकी बारी यह है कि अगर मैं फेफड़े फाड़ सकता हूं तो आपको सिलेक्शन के लिए क्रैक करने के लिए वीडियो बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखनी पड़ेगी, भले ही ये 2 से 3 घंटे में आप रुक रुक कर देखें, ठीक है ना। तो चलिए हम पहले फैक्ट से शुरुआत करेंगे, बिना रुके ये वीडियो होगी। पश्मीना साल, एक एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन हम आपको एग्जाम जब आपका हो जाएगा वहां से हम आपको दिखा देंगे कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। आइए जानते हैं, देखिएगा पश्मीना साल से हम यहाँ से क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो पश्मीना साल का चैप्टर क्या कहता है ये जानते हैं। पश्मीना साल देखिए क्या है। पश्मीना साल चांगपा जनजाति लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है, यानी पश्मीना एक साल होती है जो हमारी बहनें और महिलाएं पहनती हैं, इवन पुरुषों के द्वारा भी इस्तेमाल होती है। कौन बनाता है? चांगपा जनजाति के लोग बनाते हैं। किससे बनती है? तो बहुत से लोग पश्मीना साल को भेड़ मार के चले आते हैं। याद रहे, भेड़ के ऊन से नहीं, भेड़ के बालों से नहीं, बल्कि बकरियों के बालों से बनती है, ये बात दिमाग में बैठा लेना है आपको। यह साल हाथ से बनाए जाते हैं, लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन साल बनती है। अब ये हाथ से क्यों बनाई जाती है आज के युग में आपके दिमाग में आता होगा, तो ये भी हम बताएंगे। मशीनों का इस्तेमाल क्यों नहीं होता है? पश्मीना साल से क्वेश्चन जो आता है, ये वाला फैक्ट और ये वाला फैक्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और ये किससे बनती है? बकरियों से बनती है, इतना दिमाग में रखना है। एक पश्मीना साल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है, मतलब हम जो लोग स्वेटर आमतौर पर पहनते हैं उसमें एक पतली साल ही 6 स्वेटर के बराबर दोस्तों गर्म होती है। जहां ये बकरियां रहती हैं वहां का तापमान 0 डिग्री से -40 डिग्री तक चला जाता है। आप समझ रहे हो ना, बकरी की हालत आप देखिएगा, इनके बालों को निकाल कर, इनके बालों को कैसे निकाला जाता है आप देखिए, यहाँ पर ये चित्र दिखाया जा रहा है। इनके बालों को निकाल कर इस साल को तैयार किया जाता है। ये बाल इतने महीन होते हैं कि इनके 6 बाल एक बाल जितने मोटे होते हैं, बहुत महीन होते हैं। याद रखिए, हमने आपसे कहा कि क्यों ये हाथों से बुनी जाती है। 250 घंटे का समय लगता है एक साल बनाने में। चांगपा जनजाति के लोग इस साल को बनाते हैं, बकरियों से बनती है। यह 6 बाल के बराबर एक, यानी देखिएगा 6 बाल जब इकट्ठे हो जाएंगे तो एक बाल बनता है। इतने जो है क्या होते हैं, इतने महीन होते हैं। ये महीन बाल मशीनों पर नहीं बुने जा सकते हैं, इसलिए कश्मीर के बुनकर यानी चांगपा जनजाति के लोग इन्हें हाथों से बनाते हैं, इसलिए इनमें 250 घंटे का टाइम लगता है। तो हमने ये पश्मीना साल के बारे में जितना बता दिया है, इससे बाहर कोई फैक्ट आ ही नहीं सकता, ये लिख के रख लीजिए। आइए जानते हैं, चैप्टर टू चैप्टर हम आपको यहाँ पर हेडिंग डलवाते जाएंगे, बस आप देखते जाइएगा, बस आप दोस्तों देखते जाइएगा, मजा ही आ जाएगा, बहुत बढ़िया। स्लाथ से देखिए क्वेश्चन क्या बनेंगे, आइए स्लाथ के बारे में हम देख लेते हैं। बहुत अच्छे, देखिए बेटा स्लाथ क्या है। स्लाथ कुछ इस तरीके का दिखता है जो पेड़ों पर लटका रहता है। स्लाथ ये भालू की तरीके से दिखता है, परंतु भालू है नहीं, यह एक आलसी प्रवृत्ति का जानवर है। मैं आपको बता दूं, ये एनसीईआरटी फैक्ट हम पढ़ रहे हैं। स्लाथ से क्वेश्चन अगर एग्जाम में ना आए तो फिर बेकार ही है। स्लाथ दोस्तों उल्टा लटकता है। स्लाथ उल्टा लटक कर अपने जीवन यापन की आधारशिला को, अपने जीवन को पूरा निकाल देता है, यानी अपना पूरा जीवन उल्टे लटक कर ही निकाल देता है पेड़ों पर। इसे स्लाथ कहा जाता है। यह कहां पर पाया जाता है? मध्य और दक्षिण अमेरिका सेक्टर में पाया जाता है। अगर देखा जाए स्लाथ के बारे में जो फैक्ट एग्जाम में आता है, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये वाला है। कहता है कि यह अपना पूरा जीवन एक ही वृक्ष पर उल्टा लटक कर बिताता है। क्या एक ही वृक्ष पर? बेटा नहीं, देखिएगा कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, मतलब एक ही वृक्ष का मतलब होता है कि वो वृक्ष। और मैं बता दूं कि अगर एग्जाम में ये आ जाए कि स्लाथ अपने जीवन के कितने वृक्ष बदलता है, तो वहां पर 8 वृक्ष को बदलता है, 8 वृक्ष को बदलता है, ये बात दिमाग में बैठा लो, नहीं तो कोई बच्चा कहे कि सर आपने एक बताया है। तो ये उल्टा लटकता है, 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर ये सोता है,
ये बात दिमाग में आपको बैठा लेनी है। कितना, 17 घंटे जो है ये अपना जीवन पूरे 24 घंटे में बिता देता है, 17 घंटे। ये सप्ताह में नीचे भी उतरता है, बिल्कुल भाई, हाँ पेड़ों से नीचे उतरता है, लेकिन एक सप्ताह में केवल एक बार यह पेड़ों से नीचे उतरता है। क्यों उतरता है? किसी से मिलना है क्या? नहीं, ये इसलिए उतरता है कि उसको सोच भी करनी होती है। ये सप्ताह में एक बार सोच करता है ना, एक बार सोच करता है। बड़ा गंदा जानवर है। आप कह रहे होगे कि सर एक बार सोच करता है, हाँ आलसी है, एक बार सोच करता है, सप्ताह में एक बार नीचे उतरता है। ये 40 वर्ष, ये भी क्वेश्चन आया है कि कितने वर्ष जो है श्राप जिंदा रहता है, तो 40 वर्ष जो है केवल जिंदा रहता है। ये 8 पेड़ों पर ही घूमता है, मतलब एक साथ 8 पेड़ों को बदल देता है। ठीक है, ये बात दिमाग में बैठा लेना है। ये एक ऐसा प्राणी भी है जो एक बार में सिर्फ 30 ग्राम पत्तियां खाता है और उसे पचाने में 1 महीने तक का समय लग जाता है। तो आपको पता ही है कि अगर एक स्लाथ जो है एक सप्ताह में केवल एक बार उतरता है, तो मतलब बहुत पाचन क्रिया उसकी बहुत धीमी है, क्योंकि आलसी है। ऐसे भी आपको याद रख लेना है। स्लाथ अमेरिका के जंगलों में पाया जाने वाला भालू के समान स्तनधारी है, इसको नोट कर लीजिएगा, स्तनधारी है। ये पत्तियां खाते हैं और पत्तियों से ही अपना पूरा 40 साल का जीवन बिता देते हैं, पूरा 40 साल का जीवन 8 पेड़ों पर बिता देते हैं। आइए, हाथी के बारे में हमने जहां जहां इंग्लिश के फैक्ट लेने चाहिए थे, हमने इंग्लिश के फैक्ट भी लिए हैं। यानी बहुत से बच्चे कहते हैं इस वीडियो को बाइलिंगुअल बनाइए, हम बिल्कुल बना देते हैं। आइए, हाथी के बारे में हेडिंग डालिएगा। हाथी क्या है? हाथी से क्वेश्चन अगर ना आए तो सीटेट फिर क्या? हाथी देखिएगा, एक बड़ा वयस्क हाथी। स्टेटमेंट में क्वेश्चन मिलेंगे तो मिलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे, हर बहन से वादा है, हर भाई से वादा है मेरा, और हर प्यारे छात्र से वादा है। वादे के मुताबिक मैं मेहनत करता हूं और कतई मैं आपके साथ धोखा नहीं कर सकता, क्योंकि एग्जाम में जब क्रैक आप हो जाएंगे, एग्जाम में आप सफल हो जाएंगे, उसके बाद आप सरकारी अध्यापक अध्यापिका बन जाएंगे, तब मैं सांस लूंगा चैन की। एक बड़ा वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता। ये स्टेटमेंट आएगा तो आएगा, स्टेटमेंट में पूछेगा कि ए सही है बी सही है। ए लार्ज एडल्ट एलिफेंट ईट्स मोर देन 100 kg ऑफ लीव्स एंड सॉप्स इन अ डे। खा लेता है 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम याद रखना, एक बड़ा हाथी, क्लियर है? ज्यादा नहीं आपको याद रखना, 100 किलोग्राम खाता है। वहां पर अगर 200 किलोग्राम लिखा हो तुरंत काट देना, ठीक है? हाथी बहुत कम आराम करता है, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। द एलिफेंट टेक्स एवरी लिटिल रेस्ट, इट स्लीप्स ओनली 2 to 4 hours इन अ डे। मतलब केवल ये फैक्ट आएगा तो आएगा दोस्त, अगर वो 100 किलोग्राम वाला आएगा उसके साथ ये आ जाएगा कि ए भी सही है, बी सी सही है, ए बी सी सही है, आ जाएगा। हाथी बहुत कम आराम करता है, 2 से 4 घंटे ही सोता है। एक बड़ा हाथी 100 किलोग्राम पत्ते खा सकता है, क्लियर है? कॉन्सेप्ट याद रखिएगा दोस्तों, क्लियर है? चलिए आइए, हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा करने से उसके शरीर को ठंडक मिलती है। एलिफेंट्स लव टू प्ले विद वाटर एंड मड, मड माने कीचड़, वाटर माने पानी, पानी और जो है कीचड़ से खेलना बहुत पसंद करता है। बिकॉज वाई डूइंग दिस हिज बॉडी गेट्स कूल, यानी वो अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए, क्लियर है? चलिए ये बात याद रखिएगा। आइए, हाथी के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, कान पंखे की तरह होता है। अधिक गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है। कितनी अच्छी चीज प्रकृति ने बनाई है, ईश्वर क्या बनाता है। देखिए, ईश्वर को पता है कि इसको गर्मी लगेगी, उसने पंखे की तरह उसके कान बना दिए, क्योंकि ईश्वर को पता है कि वो जो है पंखा नहीं करने के लिए उसके ऊपर कोई आएगा, है ना? ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है? तो ये रहा आपका हाथी वाला फैक्ट। हाथी वाले फैक्ट में देखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये हथनियों से जो फैक्ट आता है यहां से देखिए इंपॉर्टेंट है, जो आएगा एग्जाम में। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, वयस्क हाथी झुंड में नहीं रहते हैं। यानी जो बड़ा हाथी होता है वो झुंड में नहीं होता है, ये बात दिमाग में बैठा लो। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां, यानी हथनियां यानी फीमेल फीमेल रहती हैं और उनके बच्चे रहते हैं। और जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं ना दोस्तों, तब आप कहते होगे कि सर कैसे, यानी हथनियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, वयस्क हाथी झुंड में नहीं रहता है। ओनली एलिफेंट्स एंड वेवीज रिमेन इन द ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स। याद रखिएगा, हाथी के एक झुंड में कितने लोग रहते होंगे? 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं, जिससे कोई अटैक हो तो वो एकदम पूरी तरीके से तैयार है। अब आप कहोगे सर 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं, तो ये जो बच्चे होते होंगे इसमें भी कोई मेल बच्चा होगा, और वो मेल बच्चा होगा जब बड़ा होगा तो फिर वो कहां जाएगा? हाँ,
वो भी हम बताएंगे। झुंड के सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है, जो बुजुर्ग हथनी होती है वो पूरे झुंड की नेता होती है। मैंने फिर से कहूंगा, एक झुंड में 10 से 12 लोग होते हैं, हथनियां होती हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है ना। वयस्क हाथी कोई नहीं रहता है, यानी फीमेल रहती है और उनके बच्चे होते हैं, मेल बड़ा हाथी कोई नहीं होता है। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहता है, यानी बच्चा जो होता है वो 14 से 15 साल तक जो हाथी होता है मेल, और उसके बाद वह झुंड छोड़कर अकेले रहने लगता है, वो झुंड को छोड़ देता है फिर अकेले रहने लगता है। ये बात दिमाग में आपको बैठा लेनी है। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या? यहां पर कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। हाथी से अगर कोई समस्या आ गई तो फिर वही भैया हम आपसे नाराज हो जाएंगे। बाघ से पिछली बार इतना ज्यादा क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछा कि हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा था, तो आपकी शिफ्ट में देखने को क्यों नहीं मिलेगा बताइए। बाघ डालिएगा हेडिंग, और बाघ से क्वेश्चंस बहुत आए थे, यहां इवन बाघ की मूंछों से तक क्वेश्चन आ गए थे एग्जाम में। देखिए दोस्तों, बाघ की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो बाघ अंधेरे में, ये क्वेश्चन एग्जाम में पिछली बार एक शिफ्ट में देखने को मिला था, इसको याद कर लीजिएगा। मैं गोला मार रहा हूं, यहां पर मैं गोला मार दे रहा हूं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ की बात करें तो बाघ से अगला फैक्ट देखिएगा दोस्तों, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम जाते हैं, रोटेट हो जाते हैं। इसके जो कान है ना, ये अलग अलग दिशाओं में बहुत तेजी से रोटेट होते हैं। हम लोगों के कान नहीं रोटेट हो सकते। आपने देखा होगा भैंस और गाय के कान थोड़े से इधर उधर होते हैं, कुत्ते के भी इधर उधर होते हैं, लेकिन इसके कुछ ज्यादा ही रोटेट हो जाते हैं। जिस तरीके से गर्दन जो है उल्लू की ज्यादा रोटेट हो जाती है, इस तरीके से रोटेट इसलिए क्योंकि आवाज वो महसूस करता है कि किस दिशा से आवाज आ रही है, कहां पर उसको जाना है, कहां शिकार है। बाघ मौका अनुसार अपनी आवाज बदल सकता है और शिकार को कैप्चर करता है। ये भी बात दिमाग में बैठा लो। यहां से क्वेश्चन आया था सीटेट में, मूंछों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, जो इसकी मूंछें होती हैं, बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जो उसके शिकार करने तथा रास्ता खोजने में मदद करती हैं। ए टू जेड दोस्तों मैंने लिए, एक एक क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, पक्षियों से, चित्रकला से, राज्य रेगिस्तानी ओक से, नेफेंटिस पौधे से, भारतीय राज्य परंपरा और उस भारतीय राज्यों के भोजन से, सारे मैं एक एक फैक्ट आपको ना पढ़ा दूं तो मेरा नाम धीरज द्विवेदी नहीं, और आपका एग्जाम अगर क्रैक ना हो तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार। एक बाघ दूसरे बाघ की दुर्गंध को तुरंत पहचान लेता है कि भाई इस इलाके में कोई बाघ भाई आया था। आइए मधुमक्खी पालन से संबंधित पढ़ते हैं। भाई जितना पढ़ना ईमानदारी से पढ़ना, जितने का मतलब है कि अगर एग्जाम देने जाना है तो 100% वीडियो कंप्लीट करके जाना है, बस इतना। अपने आप में बहुत ईमानदार रहना, क्योंकि आपको अपने माता पिता और परिवार को रिजल्ट देना है, ठीक है। मधुमक्खी पालन से जो क्वेश्चन आते हैं आइए जानते हैं। मधुमक्खी पालन से क्वेश्चन आएगा 100% आएगा, लीची के फूल से आएगा तो 100% आएगा। मधुमक्खी क्या है? तो मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। मधुमक्खी क्या है? तो बी इज अ सोशल इंसेक्ट, ठीक है ना। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। इसमें एक रानी मक्खी होती है, छत में कुछ नर यानी ड्रोन होते हैं, कुछ मक्खियां काम करने वाली होती हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है, ये मैं आपको बता देता हूं। मधुमक्खी के डंक में जो डंक होता है, इसमें फार्मिक एसिड होता है जो स्वेलिंग कर देता है, यहां तक कि इवन यहां तक कि लोगों की मौत भी हो जाती है। मधुमक्खी का जब प्रहार होता है, अटैक होता है, और बहुत लोग इससे मरे भी हैं, ठीक है ना। तो फार्मिक अम्ल कहां होता है? मधुमक्खी की डंक में होता है। मधुमक्खी ज्यादातर लीची के फूलों पर मंडराती हैं, इवन बहुत सारे फूलों पर ही मंडर जाती हैं, जैसे सूरजमुखी का पौधा हुआ, गेंदे का पौधा हुआ, इस तरीके से जितने गुलाब हुआ, हर जगह से रस को चूस कर लाती हैं और एक छत्ते का निर्माण करती हैं, लेकिन लीची के फूल पर ज्यादा मंडराती हैं। क्वेश्चन आ जाए कि लीची के फूल कब खिलते हैं, तो लीची के फूल जो है फरवरी में खिलते हैं, ये मैंने अपनी वीडियो में बताया था। आज मैराथन है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आज मैराथन है तो मैराथन बहुत अलग है, ठीक है ना। ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अंडे देती हैं, जो मधुमक्खियां होती हैं ये अक्टूबर और दिसंबर के बीच में अंडे देती हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खियां ज्यादातर लीची के फूलों पर जाती हैं। मधुमक्खियों में अम्ल होता है फार्मिक एसिड, जो डंक में होता है, ये बात दिमाग में आपको बैठा लेना है। क्वेश्चन यहां से आता है स्टेटमेंट में, छत्ते में कितनी मधुमक्खियां होती हैं? छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, कुछ नर मधुमक्खी, बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां भी पाई जाती हैं,
कुछ नर भी होती हैं जिनको ड्रोन कहा जाता है, एक रानी मधुमक्खी होती है जो काम नहीं करती है, बहुत सारी काम करने वाली अलग मधुमक्खियां होती हैं, छत्ते को संभालने वाली एक रानी मधुमक्खी छत्ते को भी संभालती है, ठीक है ना। जब एक मधुमक्खी को रस पता चल जाता है तो वह एक विशेष प्रकार का नृत्य करती है जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है। When a bee find nectar, it start dancing in a special way and other bees also come to know after it. यानी जब मधुमक्खी को एक मधुमक्खी जाती है, घूमती है, पता चलता रे यहाँ पर हनी मिलेगा, यहाँ पर रस मिलेगा, तो वहां से नृत्य करना शुरू कर देती है जिससे और मधुमक्खियों को पता चल जाता है और वो मधुमक्खियां आकर उन रस को लेती हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। मधुमक्खी की बात करें दोस्तों, तो मधुमक्खी पालन हेतु वॉक्स का प्रयोग होता है जिसकी कीमत 2,000 रुपए की होती है, जिसकी कीमत 2,000 रुपए की होती है, और बॉक्स कुछ इस तरीके के लगा लगा के तैयार किए जाते हैं जिससे मधुमक्खी आएगी, उसमें चीनी का घोल भी डाला जाता है, मधुमक्खी आएगी और इसमें छत्ते का निर्माण करेगी, शहद होगी और शहद से फिर क्या होगा, लोगों को मुनाफा होगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर चीनी, ये बहुत फैक्ट एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन स्टेटमेंट में दे देगा कि क्या मधुमक्खी के बॉक्स में चीनी का एक मीठा घोल डालते हैं, तो वहां पर आपको डालने वाला ऑप्शन मारना पड़ेगा जिसमें चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। सुगर सॉल्यूशन इज आल्सो एडेड इन इट। दवा भी छत्ते को साफ करने हेतु काम आती है। ए मेडिसिन इज आल्सो यूज्ड इन ऑर्डर टू क्लीन द बीहाइव। यानी दवा भी छत्ते को साफ करने हेतु काम आती है, दवा का यूज होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। शहद के लिए एक बक्से का प्रयोग होता है और बक्से में एक 12 किलो शहद लगभग मिल जाता है, ये बात आप इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट कर लीजिएगा। चलिए आइए चींटियों के बारे में हम फैक्ट जान लेते हैं, जो एग्जाम में चींटियों से फैक्ट जब पूछे जाते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। चलिए देखिए दोस्तों, चींटियों के जो फैक्ट एग्जाम में अगर आए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए चींटियां दीमक बततैया समूह में रहते हैं, ये एग्जाम में सीटेट के अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर खोले होंगे तो 2011 से लगभग 10 बार एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल गया होगा। आंट्स, टर्माइट्स एंड वेस्ट्स आल्सो लिव इन ग्रुप्स, यानी दीमक ततैया व चींटियां ये समूह में रहते हैं, एक ग्रुप्स में रहते हैं, ये बात दिमाग में बैठा लेना है। इनके डंक में भी फार्मिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा चींटी एक कीट है जो सामाजिक कीट के अंतर्गत आता है, मधुमक्खी भी सामाजिक कीट के अंतर्गत आती है, मधुमक्खी में भी फार्मिक अम्ल होता है, चींटियों में भी फार्मिक अम्ल होता है, डंक में फार्मिक अम्ल होता है बेटा, क्लियर है, याद रखिएगा। चींटी सिपाही ही बिल का ध्यान रखती हैं। चींटी की 3 जोड़ी टांगे होती हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि बिच्छू की कितनी जोड़ी टांगे होती हैं, तो आज हमने इस वीडियो में बिच्छू भी लिया है, सब कुछ लिया है, ठीक है ना। तो आंट्स हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स, चींटियां 3 जोड़ी टांगे रखती हैं, ठीक है ना। चींटियां भले ही आकार में छोटी होती हैं, लेकिन वह अपने शरीर से लगाकर 10 से 40 गुना तक वजन उठाने में सक्षम होती हैं, याद रखिएगा अपने शरीर का 10 से 40 गुना तक वजन उठाने में, 10 से 40 गुना, इवन कहा जाता है कि वो 3 से 4 गुना वजन उठा लेती हैं, 10 गुना भी वजन उठा लेती हैं, लेकिन 10 से 40 गुना जैसी जैसी चींटी होती है, क्योंकि चींटियों में बहुत सी प्रजातियां होती हैं। चींटियों में अगर हम बात करें तो एक बुलेट चींटी होती है, बुलेट चींटी, इसका डंक बहुत खतरनाक होता है और यह एक खतरनाक चींटियों में से एक है। बुलेट चींटी का सबसे बड़ा डंक होता है, सबसे जहरीला डंक होता है, याद रखिएगा बुलेट चींटी जिसका डंक बहुत ही खतरनाक होता है, क्लियर है, ये बात दिमाग में बैठा लो। लाल चींटियां ये छोटे मोटे जानवरों पर हमला करती हैं। लाल चींटियां अपने अंदर एक एसिड रखती हैं, यानी जिसका नाम है फार्मिक एसिड, नाम का एक विष होता है, उसको इंजेक्ट कर देती हैं, ठीक है ना बेटा, ये बात दिमाग में बैठा लेना। लाल चींटियां फार्मिक एसिड नाम का एक विष रखती हैं जो इंजेक्ट करती हैं दूसरे के बॉडी में, सबको पता है। रानी चींटी कभी भी काम नहीं करती है, बल्कि वह चुपचाप एक जगह पर पड़ी रहती है, आपको पता है ना, रानी चींटी, रानी तो रानी है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है। रानी चींटियां काम नहीं करती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, ठीक है ना। रानी चींटी कभी भी काम नहीं करती है, बल्कि वह चुपचाप एक जगह पर पड़ी रहती है, ये देखिएगा कितना वैज्ञानिकों ने इस पर खोज और रिसर्च किया होगा, कितना देखा होगा दोस्तों, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आइए हम पक्षियों के बारे में फैक्ट जान लेते हैं। पक्षियों के बारे में हम फैक्ट जानेंगे, पक्षियों के फैक्ट्स क्या कहते हैं उनको हम जान लेते हैं। सबसे पहले जो पक्षी होगा वो मोर होगा, मोर के बाद जो पक्षी होगा उसके बाद हम गिद्ध जानेंगे, गिद्ध के बाद जो पक्षी होगा वो कठफोड़वा, किस तरीके से दर्जन चिड़िया, इनको हम फैक्ट के रूप में देखेंगे, है ना। तो चलिए आइए हम सबसे पहले हम जान लेते हैं मोर के बारे में फैक्ट। मोर के बारे में फैक्ट क्या है,
मोर देखिएगा, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। पीकॉक इज द नेशनल वर्ड्स ऑफ इंडिया, बहुत सुनहरा पक्षी है, बहुत ही मोहप्रिय पक्षी है। नीला मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, मोर के कई प्रकार है, मोर के कई जो है रंग भी है। नीला मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। 26 जनवरी 1963 को भारत सरकार द्वारा नीले मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी यानी नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया घोषित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एक जीके का ऐसा फैक्ट है जो एग्जाम में किसी भी तरीके से कभी भी आ सकता है। 26 जनवरी 1963 को भारत सरकार द्वारा नीले मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। केवल नर मोर को पीकॉक कहा जाता है, मादा मोर को पीहेन कहा जाता है। जब मोर इकट्ठे होते हैं, मोर का एक सामूहिक रूप होता है बेटा, तो मोर का एक जो सामूहिक रूप होता है वो होता है पी फाउल होता है। क्या होता है? पी फाउल होता है, पी फाउल के नाम से जाना जाता है, और इनके बच्चे पी चिक्स के नाम से जाने जाते हैं। कितना अच्छा फैक्ट है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, क्योंकि यहां पर आपको कोई भी आपसे कोई पूछ भी सकता है, या आप किसी से पूछना चाहो, या एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको हर फैक्ट मारना पड़ेगा बहुत ही अच्छे तरीके से। गिद्ध के बारे में जानते हैं, गिद्ध से क्या फैक्ट आते हैं, और गिद्ध से अगर फैक्ट ना आए सीटेट में तो बेकार ही है। गिद्ध मरे हुए जानवर को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। वल्चर कीप्स द एनवायरनमेंट क्लीन बाय ईटिंग डेड एनिमल, इसलिए गिद्ध को कहा जाता है प्रकृति का सफाई करता। वल्चर क्या करता है? पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। क्यों? सड़ने और गलने से अच्छा है कि वो खा लेता है। गिद्ध मृत पशुओं के शवों को खाकर पर्यावरण एवं प्रकृति की सफाई करते हैं, इसलिए इसे प्रकृति कहा जाता है। याद आपको रखना है, इंपॉर्टेंट है फैक्ट, इंपॉर्टेंट इतना है कि एग्जाम में आएगा तो आपको छोड़ना नहीं है। गिद्ध क्या करता है? इस तरीके से खा लेता है कि चट से, मतलब जैसे आप मैगी नहीं खाते हो, 2 मिनट में अगर मैगी बनती है तो 2 मिनट में खा भी लेते हो, है ना? इसी तरीके से बहुत तेजी से खाता है, जिससे एनवायरमेंट को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है, इसलिए इसको एक नाम दिया गया है सफाई करता, है ना। चलिए, गिद्ध दिखाई क्यों नहीं देते हैं? यहां से जब क्वेश्चन एग्जाम में सीटेट में बनता है तो बच्चा परेशान हो जाता है। गिद्ध दिखाई इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि एक दवा है जिसका नाम है डाइक्लोफेनिक। डाइक्लोफेनिक एक दर्द निवारक दवा है। जब दर्द होता है तो किसी को भी दिया जा सकता है, जैसे हम लोग होते हैं उनको, यानी हम लोग का मतलब है हम जितने भी क्या होते हैं, जितने भी जीव जंतु की बात अगर कर लें, जो हम लोग जीव जंतु को देते हैं डाइक्लोफेनिक दवा दी जाती है, और दवाई खाने के बाद यदि किसी पशु की मौत हो जाती है तो उसका मांस खाने से गिद्ध मर जाते हैं। यानी ऐसा ही हुआ था कुछ साल पहले, जो आज गिद्ध नहीं दिखाई देते हैं। डाइक्लोफेनिक दवा दी गई और पशु मरे। अब मरे हुए पशु में डाइक्लोफेनिक दवा तो अभी भी है ना, तो उसको जब गिद्ध ने खाया तो गिद्ध की मौत हो गई। गिद्ध के सारे अंग फेल हो गए, यानी इवन कहा जाता है कि किडनियां ज्यादातर फेल हुई हैं। तो ये कारण रहा गिद्ध का अब ना दिखाई देना। मरे हुए जानवर को पहले भी खाता था, आज भी खाता रहा होगा, आज भी जहां होंगे वो भी खाते रहे होंगे, लेकिन रीजन ये रहा कि कम होने का, कि जहां पर खाया वहां उसमें डाइक्लोफेनिक था। पक्षियों के बारे में फैक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो कठफोड़वा चिड़िया के बारे में एग्जाम में बहुत आता है। ये कठफोड़वा चिड़िया आपको दिख रही है, कठफोड़वा चिड़िया क्या करती है? एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है कि ये बताइएगा, पेड़ के तने में छेद करके उसमें अपना घोंसले का निर्माण करने वाली चिड़िया का नाम क्या है, तब बड़ा दिक्कत होती है। पेड़ का तना क्या होता है? पेड़ का तना यही होता है नीचे वाला, ऊपर तो वृक्ष होता है, ऊपर तो आवरण होता है वृक्ष का, पत्तियां होती हैं, टहनियां होती हैं। पेड़ का तना बहुत कठोर होता है। कठफोड़वा, कठफोड़वा फोड़ देती है किसको? काठ को, लकड़ी को, ऐसे याद कर लो, लकड़ी को काट देती है। कठफोड़वा चिड़िया पेड़ों के तने में छेद करके उसमें छिपे कीड़ों को खाती है और अपना घोंसला पेड़ के तने में ही बनाती है, छेद कर लेती है, इसमें ही अपने घोंसले का निर्माण करती है, बच्चे देती है, यानी अंडे देती है और बच्चों को सेती है। कठफोड़वा पेड़ के तने में छेद बनाता है, वहां छिपे हुए कीड़ों को खाता है। ये मैंने रिपीट कर दिया, कोई बात नहीं, ये बात दिमाग में बैठा लो। एक चिड़िया से एक एक दो दो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। एक दर्जन चिड़िया है, कितनी अच्छी चिड़िया लगती है, आपने सुना भी होगा इसके बारे में, इसको देखा भी होगा, इवन देखा भी होगा। दर्जन चिड़िया क्या करती है, ये जानते हैं। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है, यानी दो पत्ते अगर ले लिए और दो पत्ते ले लिए, इसके बीच में जो है क्या कर दिया, सिल दिया, यानी इनको आपस में सिल दिया। इसको टेलर वर्ल्ड कहा जाता है, यानी जैसे हम लोगों के दर्जी जो है कपड़े सिलते हैं ना, इसी तरीके से इसको खुद ही दर्जन चिड़िया कहा जाता है, टेलर वर्ड कहा जाता है।
The Taylor Wood makes its nest while switching leaves from its pointed beak. Pointed beak का मतलब होता है कि अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिलती है, उसमें अंडे रखती है, ठीक है ना। क्या तुमने कभी देखा है या ध्यान दिया है कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग है? क्या आपने देखा है? यहाँ से एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चा परेशान होता है। Have you ever noticed the birds fly and walk in different ways? यानी मैना की अगर मैं बात कर लेता हूँ, आपने गर्दन की बात करी है, तो क्वेश्चन एग्जाम में सीटेट में 2018 और 19 में ये मैना से क्वेश्चन इतना ज्यादा पूछा गया, बच्चा भयभीत हो गया, बच्चे को लगा कि कौवा होगा, है ना। क्वेश्चन कैसे आया था कि कौन सी प्रजाति अपनी गर्दन को झटके से इधर उधर करती है, तो बच्चों ने कौवा ऑप्शन में था, कौवा लगा दिया। याद रखिए, मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, इधर उधर करती है। आपने देखा होगा ये चिड़िया का को बहुत जगह अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में मैना का नाम यही है, यानी इसको ही मैना कहा जाता है। मैना ही झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, इतना याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फाख्ता, कैक्टस की बात कर लेता हूँ। फाख्ता की बात करें तो इसको बहुत जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, फाख्ता की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो फाख्ता जो है, फाख्ता क्या करता है, कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। कैक्टस के कांटों का मतलब समझते हो ना, कैक्टस का एक पेड़ होता है, या मेहंदी की मेड़ में, मेहंदी के पेड़ों पर एक घोंसला बनाता है। तो क्वेश्चन में अगर आ जाए कि कैक्टस जो है कहाँ, जो है फाख्ता जो है, मैं कैक्टस का कह रहा हूँ, फाख्ता जो है, फाख्ता और कैक्टस का संबंध क्या है, देखिएगा, फाख्ता और कैक्टस का संबंध यह है कि फाख्ता जो है कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। मैं बार बार कैक्टस नाम ले रहा हूँ, लेकिन कैक्टस क्या है, कैक्टस आपका, मैंने एक आपको कल चित्र दिखाया था जो इस तरीके का है, जो इस तरीके का, आजकल कैक्टस का एक वो भी चल रहा है, एक बड़ा ही अच्छा क्यूट सा वो आया है मार्केट में बच्चों को खेलने के लिए, है ना। तो कैक्टस के कांटों के बीच में, कैक्टस एक पौधा है, फाख्ता एक चिड़िया है, कैक्टस के कांटों के बीच में मेहंदी की मेड़ पे अपना घोंसला बनाने वाला एक पक्षी है, ये बात दिमाग में बैठाना है। उल्लू की बात करें तो आउल बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लेकर आता है, रात में जगने वाला एक प्राणी है। आपको मैं बता दूं, रात्रि से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में सीटेट में आते हैं। द आउल कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट, मतलब उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, कितने डिग्री घुमा सकता है, तो बहुत जगह 360 डिग्री लिखा है, बहुत जगह 270 डिग्री लिखा है, इसका भी मैं आपको पूरी तरीके से फाइनली बता देता हूँ। उल्लू की आंखें मनुष्य की तरह सीधी होती हैं, बहुत सी पक्षियों की सीधी नहीं होती है, एकमात्र ऐसा पक्षी होता है जिसकी आंखें सीधी होती हैं मनुष्य की तरह, मनुष्य की नाक बीच में, उल्लू की नाक बीच में, मनुष्य की आंखें राइट लेफ्ट में, उल्लू की आंखें राइट लेफ्ट में, ठीक है ना। उल्लू की आंखें मनुष्य की तरह सीधी होती हैं, उल्लू सुनसान जगह में और सूखे पेड़ों में अपना घोंसला बनाता है, सुनसान, जी हाँ बिल्कुल, भूत प्रेत आपका एकदम से याद आ रहा होगा, उल्लू जब बोलता है रात में ना, तो आपको लगता है कोई भूत है क्या, है ना। तो उल्लू की आंखें मनुष्य की तरह सीधी होती हैं, उल्लू सुनसान जगह पर अपना घोंसला बनाता है, रात्रि में ये जागते हैं, उल्लू अपनी गर्दन 360 डिग्री में घुमा सकते हैं, 360 डिग्री तक लगभग लगता है, कहां, जब भी 360 डिग्री लाएगा उसके लगभग क्या लगेगा, लगभग लगेगा, और ये जो घुमाता है ना 270 डिग्री घुमा लेता है पूरी, ठीक है ना, ये बात दिमाग में बैठा लेना है। आइए, कलचिड़ी जिसको इंडियन रॉबिन कहा जाता है, एग्जाम में बहुत आता है, एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। कलचिड़ी यानी इंडियन रॉबिन एक पक्षी है जो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। कलचिड़ी यानी इंडियन रॉबिन नाम का एक पक्षी है। कलचिड़ी इंडियन रॉबिन पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती है। घोंसला घास से बना होता है, उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनियां, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है, बड़ा एकदम से डबल बेड, है ना। तो इंडियन रॉबिन को कलचिड़ी कहा जाता है। जब एग्जाम में इंडियन रॉबिन ऐसे लिखकर आ जाए तो भयभीत ना हो जाना, इंडियन रॉबिन कलचिड़ी एक ही है, यह हमेशा पत्थरों पर, यही एग्जाम में आएगा, पत्थरों पर ऑप्शन में देखने को मिलेगा, या क्वेश्चन में ऐसे आएगा पत्थरों के बीच में अपना घोंसला का निर्माण करने वाली चिड़िया का नाम या पक्षी का नाम क्या है, तो आंसर इंडियन रॉबिन हो तो ठोक देना, या कलचिड़ी हो तो ठोक देना, ठीक है ना, याद रखिएगा। बीवर की बात करें, बीवर बहुत ही अच्छा एक पक्षी है, बहुत सुनहरा गोल्डन पक्षी माना जाता है बीवर। और बीवर की अगर मैं बात कर लेता हूं तो बीवर पक्षियों में सभी नर बीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं, मादा नहीं बनाती है। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है,
उनमें जो अच्छा लगता है उनमें ही वो अंडा देती है। मतलब नर अगर 5 से 7 घोंसले बना लेगा तो उसमें केवल एक का चुनाव करेगी, इसमें मैं रहूंगी, इसमें मैं रहूंगी, बाद बाकी सब सब खत्म कर दिए जाए। मतलब नर जो है कितना काम करता है, नर कितना काम करता है, और मादा कहती है नहीं, हमारा चुनाव पहले देखती है, फाइल फाइल पे सिग्नेचर करती है कि इसमें ये सब गलत है, ये सब अच्छे नहीं है, इसमें ये कमरा अच्छा नहीं है, ये कमरा नहीं बढ़िया है ना, मजेदार एकदम से। तो ये कहना एक अपना घोंसला तय करती है कि भाई मुझे इसी में अंडे देने हैं, उसमें ही करती। कोयल की बात कर लें दोस्तों, कोयल से क्वेश्चंस बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। कोयल के काले पंख होते हैं और कुहू कुहू की आवाज लगाती है, यह मीठी आवाज के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। कोयल की बात हुई है तो कोयल में बस इतना आपको याद रखना है कि कोयल अपने बच्चों को तैयार नहीं करती है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, पहला क्वेश्चन। कोयल का बच्चा कौन तैयार करता है, कौवा तैयार करता है। दूसरा, कोयल किसके घोंसले में अंडा देती है, तीसरा पॉइंट एग्जाम में पूछा जाएगा तो कौवे के घोंसले में देती है। मोह प्रिय पक्षी किसे कहा जाता है, कोयल। चलिए कबूतर के बारे में अगर हम फैक्ट देखें तो कबूतर के बारे में जो फैक्ट है, कबूतर की चोंच गुलाबी होती है, पहला फैक्ट एग्जाम में आता ही आता है। हर चोंच काली देखी जाती है लेकिन इसकी गुलाबी होती है। इसके पंख स्लेटी और यह गुटरू गू की आवाज निकालता है। इसके पंख स्लेटी होते हैं, अधिकतर कबूतर जो है स्लेटी पंख के होते हैं, बाद बाकी सफेद कबूतर के नाम से भी बहुत सारे कबूतर हैं, ठीक है ना। चील से क्वेश्चन एग्जाम में ना आए सीटेट में तो हो ही नहीं सकता। चील की अगर बात करी है तो चील चूहे खाती है, पहली बात तो चील, चासे चील, चासे चूहे, चील चूहे खाती है। इसकी पूंछ लंबी और खांचे वाली होती है, कैसी होती है, लंबी और खांचे वाली होती है। चील सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो बच्चा कौवा और चील में कंफ्यूज हो जाता है। तो कौवा चील दोनों ऑप्शन में दिया हो तो चील आप मारना है, अब चील है ऑप्शन में तो चील मारिए, और चील नहीं है तो कौवा तो मारना ही मारना है। तो सबसे ऊंची डाल पर चील और कौवा ही घोंसला बनाते हैं, लेकिन सबसे ऊंची डाल पर बात करें दोनों में तो चील आपको वहां पर लॉक करना है। क्वेश्चन यहां से अगर आए ना तो एग्जाम बेकार है सीटेट का, सीटेट का एग्जाम ही बेकार है। चील हमसे 4 गुना अधिक देख पाता है मेरे लाल। चील का घोंसला सबसे बड़ा घोंसला होता है और सबसे चौड़ा घोंसला होता है, पक्षियों में सबसे चौड़ा अगर घोंसला है तो चील का है। 4 से 5 फीट का घोंसला होता है। और याद रखिएगा यहां से सीटेट के दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। एकमात्र ऐसा पक्षी है जो एक बार घोंसला बना ले और उसको साल दर साल यूज करता है, और जैसे कौवा पक्षी है तो 1 साल बना लिया उसके बाद दोबारा उसमें पक्षी नहीं देगा, यानी मादा कौवा। ऐसे ही आपका कोई बीवर हो, ऐसे ही आपका कोई कठफोड़वा हो, तर्जिन हो, इवन फाकता पक्षी हो, एक बार दे लेगा दोबारा नहीं। लेकिन चील जो है हर साल उसी घोंसले को, पुराने घोंसले को करता है, एकमात्र पक्षी है। कौवे की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो कौवे से 3-4 फैक्ट आपको पता रखने ही हैं, पता ही रखने हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया। कौवा काले पंखों का होता है, कोयल काले पंखों की होती है, दोनों फैक्ट आपको पता है। और काव काव करता है और कोयल कुहू कुहू करती है, एनसीईआरटी फैक्ट है। कौवा ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है लेकिन चील सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, मैंने कहा जब चील ना हो तो कौवा तो मारना ही मारना है। अब इसमें कोई विवाद नहीं बेटा कमेंट में करना, क्योंकि हमें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही जाना है। कौवे के घोंसले में यहां से क्वेश्चन एग्जाम में सीटेट पूछता है, इसलिए यहां पर मैं इंपॉर्टेंट लिखूंगा। कौवे के घोंसले में क्या पाया जाता है, कौवे के घोंसले में दोस्तों क्या, लोहे के तार पाए जाते हैं मेरे लाल, लोहे के तार। कौवे के घोंसले में जो नेक्स्ट होता है उसमें लोहे के तार पाए जाते हैं बेटा। कोयल कौवा के घोंसले में अंडे देती है और कौवा ही इसको संभालता है। जब उसके अंडे फूटकर बच्चे बड़े होते हैं, जब आवाज निकलती है तो कुहू कुहू की आवाज आती है, तो अरे ये तो कहता है ये तो मेरे बच्चे हैं, उसको भगा देता है। तो इसलिए ये एक प्रकृति का नियम है कि कौवे ही कोयल के अंडों को देखती है, बच्चे संभालती है या संभालता है, नर और मादा कौवे दो होते हैं। दुनिया भर में कौवे यानी क्रो की जो प्रजातियां हैं वो 40 प्रजातियां पाई जाती हैं। क्रो एंड आउल की अगर मैं बात करूं तो कौवे उल्लू एक दूसरे से घृणा करते हैं, जब भी एक दूसरे के सामने पड़ते हैं तो हमला कर देते हैं। अगर उल्लू भी दिन में जागता तो बताइए कितनी गहरी दुश्मनी होती। तो जब भी उल्लू को देखते हैं तो कौवे, या कौवे को उल्लू देखता है तो उल्लू, ये दोनों आपस में इतनी दुश्मनी, इतना बैर रखते हैं
कि आपस में अगर सामने पड़ जाएं तो फिर खून खराबा हो जाएगा। कौवे मनुष्यों के चेहरे को याद रख सकते हैं, वे उनके प्रति बैर भावना भी रख सकते हैं। प्रेम और बैर भावना को कौवे भली भांति बखूबी जानते हैं दोस्तों। कौवे चेहरे याद रख सकते हैं, कौवे ये भी जान सकते हैं कि अगर इसने मेरे साथ बुरा किया है, इसने मेरे बच्चों को मारा है, तो उसका चेहरा याद कर सकते हैं और उसको मौत के घाट भी अपनी चोंचों से उतारने के लिए उतावले रहते हैं। आइए जानते हैं पक्षियों में फैक्ट। पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों व डिजाइन के होते हैं, यहाँ से फैक्ट आता है। उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं, इतना ही नहीं पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। ये चार फैक्ट आपको एग्जाम में पक्षियों से क्वेश्चंस आते हैं उनको करने में आसान बनाएंगे, ठीक है ना। ये बात आप याद रखिएगा। मैंने आपको चींटियों के बारे में जब बताया था तो मैंने कहा था बिच्छुओं के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। बिच्छू से क्या फैक्ट बनेंगे, उसके बाद हम बहुत सी चीजें ऐसी जानेंगे, बिच्छू हुए, गेंडे हुए, रैकून हुए, ठीक है ना। उसके बाद मधुबनी पेंट जो है चित्रकला होगी वो देंगे, पेंटिंग देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। आज कठिन से कठिन फैक्ट देखेंगे, जो एनसीईआरटी कहती है, वो सीटेट एनसीईआरटी मांगती है, वही हम देखेंगे। आइए, स्कॉर्पियन जिसे हिंदी भाषा में बिच्छू के नाम से जाना जाता है, विश्व में पाए जाने वाले प्राचीनतम जीवों में से एक है जिसका नाम बिच्छू है। बिच्छू की 2000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि बिच्छू किस प्रजाति में आता है, बिच्छू जो है किस संघ में आता है, संघ किस संघ का है, आइए जानते हैं। बिच्छू 8 पैरों वाला मांसाहारी है, आर्थोपोडा जीव है, ये आर्थोपोडा संघ का है, नोट कर लीजिएगा, आर्थोपोडा इसका संघ है, जो लगभग दुनिया में हर जगह पाया जाता है अंटार्कटिका को छोड़कर। मांसाहारी है, पैर हैं 8 पैरों वाले, 3 पैर पाए जाते हैं चींटियों में, और ये 8 पैरों वाला मांसाहारी है। अंटार्कटिका को छोड़कर पूरी दुनिया में बिच्छू फैले हैं। आर्थोपोडा संघ का एक जीव है जिसको बिच्छू कहा जाता है। बिच्छू में बहुत से अम्ल होते हैं जिसमें फार्मिक अम्ल एक नॉर्मल सा एक क्या है, एसिड है। बिच्छू साधारणतः उष्ण प्रदेशों में रहते हैं, पत्थर आदि के नीचे छिपे रहते हैं और रात्रि के समय बाहर निकलते हैं, ठीक है ना बेटा। ये बात आपको बिच्छू से याद रखनी है। आइए तोते के बारे में जान लेते हैं, जो तोते से फैक्ट बनते हैं, तोते से फैक्ट एक दो बनते हैं, उनको हम दो स्लाइड में खत्म कर लेते हैं। तोते ही एकमात्र ऐसे पक्षी हैं जो अपने पैरों से खाना पकड़कर खा लेते हैं, यानी मनुष्य की तरह, इंसान की तरह जो है पक्षी एकमात्र है जो पैरट है, और पैरट ही एकमात्र ऐसा पक्षी है जो कहीं ना कहीं हाथों से पकड़कर भोजन खाता है, हाथों से पकड़ लेगा और बेहतरीन चाव से भोजन को खाएगा। माना जाता है कि तोता सबसे बुद्धिमान प्रजाति के पक्षियों में से एक है। जिस तरीके से जानवरों में अगर देखा जाए, पक्षियों में तोता बुद्धिमान माना जाता है, और जानवरों में अगर देखा जाए तो किसको माना जाता है, चिंपैंजी को बुद्धिमान माना जाता है, चिंपैंजी को बुद्धिमान जानवर माना जाता है, जो इंसान की तरह कार्य करता है, इंसान की तरह हंसता है, इंसान की तरह रोता है, इंसान की तरह सारी प्रक्रियाएं कर सकता है, इंसान की तरह उसका दिमाग भी होता है। माना जाता है कि तोता सबसे बुद्धिमान प्रजाति पक्षियों में से एक है। तोते के बारे में यह अनोखी बात अधिकांश लोग जानते हैं, यानी अधिकांश तोते एक पैर पर खड़े होकर ही सोते हैं, ये बात दिमाग में बैठा लेनी, एक पैर पर ही खड़े होकर सो लेते हैं, ज्यादातर अपना जीवन एक पैर पर खड़े होकर बिता देते हैं। रैकून आपने अगर नहीं देखा है तो सीटेट का एक एनसीईआरटी फैक्ट है जिसको रैकून कहा जाता है। सीटेट का जो फैक्ट है वो रैकून, आप नोट कर लीजिएगा। रैकून क्या है बेटा, जानते हैं। रैकून उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, बिल्ली जैसा दिखता है, स्तनधारी होता है और मांसाहारी होता है, ये बात दिमाग में बैठा लो, स्तनधारी होता है, मांसाहारी होता है। रैकून उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, बिल्ली की तरह दिखता है, बिल्ली जैसी पूंछ होती है, लगभग बिल्ली की तरह, बस थोड़ा सा मुंह निकला होता है, मांसाहारी होता है, स्तनधारी होता है। यह अपने भोजन में मेंढक मछली आदि को धोकर खाता है, इतना ज्यादा दोस्तों बुद्धिमान जानवर यह भी माना जाता है। रैकून अपनी स्मरण शक्ति के लिए काफी विख्यात है, इसकी स्मरण शक्ति, मेमोरी क्षमता, मेमोरी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। मेंढक और मछली को धोकर खाता है, मेंढक और मछली का शिकार किया और उसको धोया और बड़े चाव से खाया, क्योंकि यह मांसाहारी जानवर है। इसका वजन दोस्तों तकरीबन 3 किलो से 9 किलो के बीच हो सकता है। इसकी जानवर की लंबाई 40 से 70 सेंटीमीटर तक होती है। ये इंसानों का खाना चुराकर खाने में परहेज नहीं करते। इंसानों का अगर खाना रखा है तो ये चुरा लेते हैं,
क्यों? क्योंकि बिल्ली की प्रजाति से आते हैं और बिल्ली जैसा दिखाई देता है, बिल्ली होता नहीं है। जिस तरीके से सलाथ भालू जैसा दिखाई देता है, भालू नहीं होता है, इसी तरीके से बिल्ली इंसानों का खाना चुराती है, रैकून भी इंसानों का खाना चुराती है। ये बात दिमाग में आपको बैठा लेनी है। इस जानवर की एक खासियत है कि आमतौर पर ये हमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन खतरे की स्थिति को भांप कर ये हमला कर सकते हैं। अगर इनके ऊपर देखिए, सांप कभी हमला आपके ऊपर नहीं करेगा। सांप हमला तभी करता है जब आप उसको लगता है कि हाँ खतरा है, ठीक है ना। रैकून कभी हमला नहीं करेगा, रैकून को लगता है कि हाँ खतरा है, उसके बच्चे के ऊपर लग रहा है खतरा है तो वो करेगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए गेंडा की बात कर लें, गेंडा की बात करें तो गेंडा से जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो बेटा क्या होगा, गेंडा और छिपकली दो जल्दी पढ़िए, उसके बाद मधुबनी पढ़ते हैं। एक गेंडा सफेद राइनो और हाथी के बाद इस दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भूमि स्तनपाई, तीसरा सबसे बड़ा स्तनपाई अगर है तो वो गेंडा है, याद रखिएगा। राइनो कहा जाता है। गेंडे की बात करें तो काजीरंगा जो है, काजीरंगा असम में एक गेंडे वाले जो जानवर है वो प्रसिद्ध है, क्लियर है। गेंडा अफ्रीका का सबसे खतरनाक जानवर है। इसकी खाल से बुलेट प्रूफ जैकेट जो बनती है ना दोस्तों, इसमें गोली का असर नहीं होता। गोली मार दो और जैकेट अगर पहने हो तो उस पर असर नहीं होता है। तो गेंडे के ही खाल से जो है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाती है। गेंडा अफ्रीका का सबसे खतरनाक जानवर है, इसकी खाल से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाती है, याद रख लो। फैक्ट है, सीटेट की क्विक रिविजन फैक्ट वीडियो आपको दे रहे हैं दोस्तों, जो पैट कोर्सेज को पूरी तरीके से खत्म करेगी। इंडिया का एक ऐसा मात्र गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी चैनल स्थापित करा है मैंने कुछ सालों पहले। मिलियंस बच्चे सिलेक्शन लेकर एक सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी अध्यापक अध्यापिका ही हम बनाते हैं। ईमानदारी से अगर पढ़ रहे हो, यहाँ तक अगर ईमानदारी, बहुत से बच्चे तो छोड़ चुके होंगे वीडियो, क्योंकि उनको टारगेट फिक्स करना ही नहीं। बहुत से बच्चे अभी भी आधी पढ़ने के बाद छोड़ देंगे। बहुत सी बहनें जो लास्ट तक बनी रहेंगी, बहुत से भाई हमारे लास्ट तक बने रहेंगे। बस उनसे बस इतना कहना है कि जिंदगी भर नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, जिंदगी भर नहीं पढ़ना है। गेंडे की ऊंचाई 6 फुट होती है तथा लंबाई 11 फुट होती है। 200 किलोग्राम का वजन होता है और 2000 किलोग्राम का वजन होता है। कोई गेंडा 2700 किलोग्राम तक का भी हो सकता है। छिपकली के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। छिपकली लिजार्ड का मतलब होता है छिपकली, रेप्टाइल परिवार से आती है। रेप्टाइल का मतलब होता है रेंगने वाले, क्या होता है बेटा, रेंगने वाले समूह से आती है। छिपकली की नाक उसकी जीभ में होती है, कितना अच्छा पॉइंट, छिपकली की जो नाक होती है वो उसकी जीभ में होती है, ये बात दिमाग में आपको बैठानी है। छिपकली की नाक जो होती है उसकी जीभ में होती है और इसी कारण वो किसी चीज को सूंघने के लिए अपनी जीभ बाहर निकालती है, ठीक है। बार बार आपने देखा होगा छिपकलियां जो है जैसे ही हमला करती हैं उससे पहले जीभ बाहर बाहर निकालती हैं, बार बार निकालती हैं। उनके सामने अगर कोई भी शिकार है, कोई अगर कीट है, कीड़ा है, तो छिपकली की जीभ जो है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, छिपकली की जो जीभ है वो, यानी नाक जो है उसकी जीभ में ही होती है। जो नाक होती है वो जीभ में होती है जिसको सूंघने के लिए, इसलिए बार बार जो है जीभ को निकालती है। जब भी कोई दुश्मन छिपकली को